हेलो डियर लर्नर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंट्रोड्यूस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड पार्ट ऑफ यू ऑपोरेशन इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टीम जैकेट केटल आज के लेक्चर में हम यू ऑपरेशन का जो सबसे पहला यूआपोरेटर है दैट द स्टीम जैकेट कैटल उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे तो इससे पहले युवा पोरेशन का इंट्रोडक्शन का लेक्चर मैंने बनाया है उसकी लिंक आपको ऊपर मिल जाएगी ये सबसे पहले वो पार्ट वन देखना क्योंकि उसमें जो भी हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं तो वो पॉइंट आपको हेल्पफुल रहेंगे फॉर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये ऑपरेटर और मैंने जितने भी इस सब्जेक्ट के वीडियोस बनाए हैं उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सो लाइट डिस्कस स्टीम जैकेट केटल नाउ डिस्कस स्टीम जैकेट केटल तो सिंपली इसमें दो पार्ट एक रहेगा जैकेट और दूसरा रहेगा केटल तो जो हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं दे लुक लाइक दिस इन फर्स्ट पिक्चर और जब हमें एग्जाम में इसको ड्रॉ करना है तो यू कैन ड्रॉ दिस सिंपल डायग्राम तो ये डायग्राम हम कंस्ट्रक्शन में और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे तो सबसे पहले हम उसके प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करते हैं स्टीम इज सप्लाइड टू द जैकेटेड केटल इन विच एक्वेस एक्सट्रैक्ट इज प्लेस इसमें जो जैकेट जो पार्ट है उसमें हम स्टीम सप्लाई करते हैं और जिस एक्वेस एक्सट्रैक्ट को हम हीट करना है दैट केप्ट इन अ केटल पार्ट स्टीम गिव्स आउट हीट टू द केटल सिंपली जो भी स्टीम आएगी जैकेट में से तो वो हीट ट्रांसफर करेंगे टू द कैटल और वो कैटल का जो भी मेटल पार्ट है दैट रिसीव दैट हीट द हीट इज़ ट्रांसफर टू द एक्वेस्ट एक्सट्रैक्ट बाय कंडक्शन एंड कन्वेक्शन तो इस ये क्वेश्चन भी आ सकता है इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो स्टीम जैकेट केटल है उसमें दो टाइप का हीट रिसीव होता है एक कंडक्शन मेकनिजम से और एक कन्वेक्शन से कंडक्शन से क्यों मतलब जो भी मेटल्स हम जैकेट और कैटल के लिए यूज़ करते हैं ट्रांसफर द हीट बाय कंडक्शन और जो भी एक्वीस एक्सट्रैक्ट में जो भी मॉलिक्यूल्स है द ट्रांसफर द हिट बाय द कन्वेक्शन ये हमने हीट ऑफ फ्लो ऑफ हीट में डिटेल में इसके बारे में डिस्कस किया था द टेम्परेचर राइज एंड एस्केप टेंडेंसी ऑफ द सॉल्व मॉलिक्यूल्स इन टू वेपर इनक्रीज तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वेपर फॉर्म होते जाएंगे मतलब डिपेंड ऑन द कानेटिक एनर्जी ऑफ दट मॉलिक्यूल्स उनका कन्वर्जन वेपर्स में होता जाएगा स्टरिंग फॉर द देपोराइजेशन ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स तो इसमें हम मैकेनिकल स्टरर यूज करते क्योंकि अगर हम स्टरिंग नहीं करेंगे तो इसमें फिल्म फॉर्म होती जाएगी अगर जहाँ पे फिल्म फॉर्म होगी वहाँ पर यू रेट कम होगा ये हमने इंट्रोडक्शन के लेक्चर में डिटेल में सीखा था तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल नेक्स्ट में हम कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं नाउ डिस्कस द कंस्ट्रक्शन वी यूज द सेम डायग्राम इट इज़ अ हेमिसपेरिकल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ एन इनर पैन कॉलैस कैटल जो आपको डायग्राम हेमिसपेरिकल जो पैन दिखता है उसे हम कहेंगे कैटल इट इज़ इन्वॉलप विथ एन आउटर पैन कॉलैस जैकेट उसको जो कवर किया है एट द दे बॉटम देखना उसे हम कहेंगे जैकेट टू पैनस आर ज्वाइन टू इन स्पेस थ्रू विज टीम इस पास जो जैकेट और केटल है उसमें कोई भी स्पेस रखी नहीं जाएगी उसको क्लोज़ किया जाएगा अगर स्पेस रहेगी तो हिट ट्रांसफर होगा नहीं

For the steam, and outlet for non-condensed gas are provided near the top of the jacket. तो जो भी हम steam inlet करते हैं, तो diagram में देखना left side में उन्होंने एक inlet provide किया गया है। और जो non-condensed gas है, मतलब जो steam as it is pass होके जाएगी jacket में से, okay? तो उसके लिए उन्हें एक outlet provide किया है, see the right of, uh, side of the diagram, जो उन्हें वहाँ पे vent लिखा है, वो outlet है for non-condensed gas के लिए। Condensed steam leaves the jacket थ्रू आउटलेट प्रोवाइड एट द बॉटम अब हम कंडेंस गैस किसे कहते सी स्टीम मतलब वो हॉट स्टीम रहेगी फ्लूड रहेगा जब भी वो किसी कोल्ड सरपेस को टच करेगा डेफिनेटली दैट हॉट फ्लूड इज कन्वर्टेड टू द वाटर डॉपलेट्स तो वो जो वाटर डॉपलेट्स आते हैं उसे हम कहेंगे कंडेंस्ड स्टीम फॉर द डीचर ऑफ द प्रोडक्ट वन आउटलेट इज प्रोवाइडेड एट द बॉटम ऑफ द केटल तो डायग्राउंड में आपको दिखेगा जैसे ही वो ये ऑपोरेशन हो जाएगा हमें कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट मिल जाएगा फॉर दैट कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट दे प्रोवाइड वन आउटलेट दैट इज मैंशन डायग्राम कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट डिस्चार्ज सो दिस इज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ जैकेट एंड केटल नाउ यू डिस्कस द वर्किंग थ्रू वन एनिमेशन तो एनिमेशन के पार्ट में जो आपको पिंक बॉर्डर दिखती है दिस इज अ जैकेट और जो ग्रीन पार्ट दिखता है वो है केटल और एट द लेफ्ट कॉर्नर देखना वो इनलेट बता रहे स्टीम का बाय शोइंग वन रनिंग रेड कलर एरोज वो स्टीम बता रहे हैं जैसे वो स्टीम जैकेट में आएगी और जहाँ पे भी कोल्ड सरफेस रहेगा और जब उसके कांटेक्ट में आएगी स्टीम या स्टीम कन्वर्ट इन टू द कंडेंसड स्टीम मतलब वो ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाएगी आपको बॉटम में वो ड्रॉपलेट्स भी ऑब्जर्व होते होंगे तो इसमें हीट ट्रांसफर कैसे होती है पहले वो जैकेट में आएगा जैकेट का जो भी मेटल रहेगा वो मेटल वो स्टीम की हीट को एब्जॉर्ब करेगा एंड दैट एब्ज ऑफ हिट ट्रांसफर टू द मेटल ऑफ केटल तो यहाँ पर कंडक्शन आएगा और जो भी केटल का मेटल है वो हिट को ट्रांसफर करेगा टू द मॉलिकूल्स ऑफ एक्वेस एक्स्ट्रैक्ट फिर वो मॉलिकूल टू मॉलिकुलट ट्रांसफर करेगा वो हम कहेंगे उसे कन्वेक्शन तो ये कंडक्शन और कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर होगा तो जब एग्जाम में एक्जैक्टली हमें किस तरह से लिखना है वर्किंग ल डिस्कस वन बाई वन एक्वेस एक्स्ट्रैक्ट टू बी इन कारपोरेटेड इट्स प्लेस इन द केटल जो भी एक्वेस एक्सट्रैक्ट हम केटल में ऐड करेंगे स्टीम इज सप्लाइड टू द इनलेट एज पर द डायग्राम कंटेंट स्टर बाय द मैकेनिकल स्टरर मतलब जो भी एक्वेस एक्सट्रैक्ट है उसको हमें कंटिन्यूसली मैकेनिकल स्टरर से स्टर करना पड़ेगा ताकि फिल्म फॉर्म ना हो रेट ऑफ प्यो ऑपोरेशन इज अ फास्ट इन द इनिशियल स्टेजेस एंड डिक्रीज ग्रेजुअली एज द लिक्विड गेट कॉन्सेंट्रेटेड तो ऑब्वियसली जैसे जैसे आप टाइम बढ़ता जाएगा वेपर फॉर्म होना कम होते जाएगी दैट्स वाई इनिशियल स्टेज पे इवापोरेशन फास्ट होगा और जैसी लिक्विड की क्वांटिटी कम हो जाएगी इवापोरेशन रेट कम होते जाएगा फॉर द सच इक्विपमेंट मस्ट हैव ए गुड वेंटिलेशन टू रिमूव द वेपर ओके वाई टू प्रिवेंट द कंडेंसेशन इन द रूम एंड डेंस फॉग ऑफ द कंडेंस वेपर सी अगर सैचुरेशन होगा वेपर का उस रूम में तो इवापोरेशन रेट कम होगा ये हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया जाता है दैट्स वाई आई एम मैंशनिंग दैट इन स्टार्टिंग सी द इंट्रोडक्शन वीडियो तो ये सैचुरेशन अवॉइड करने के लिए वहाँ पे वेंटिलेशन चाहिए एग्जॉस्ट सिस्टम प्रॉपर चाहिए सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्किंग नेक्स्ट स्लाइड में हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में डिस्कस करते हैं तो सबसे सब पहले हम एडवांटेज डिस्कस करते हैं यूज इन बोथ स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल तो डिपेंड ऑन द सर्पिस एरिया हम ये केटल और जैकेट स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल में भी यूज करते तो सरफेस एरिया कैसा इम्पैक्ट करता है ऑन स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल यू ऑलरेडी डिस्कस इन इंट्रोडक्शन लेक्चर सिंपल कंस्ट्रक्शन इजी टू ऑपरेट क्लीन एंड मेंटेन व्हेन वी कंपेयर विद अदर यू ऑपरेटर इसका ऑपरेशन मतलब ऑपरेट करना और इसको क्लिनिंग करना बहुत ही आसान है इट्स कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस इज लो डेफिनेटली Wide variety of material can be used for construction such as copper, stainless steel and एल्यूमिनियम तो मेनली जो हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं उनमें जो मटेरियल यूज किया जाता है वो है स्टेनलेस स्टील स्टरिंग आफ्टर कंटेंट्स एंड रिमूल ऑफ प्रोडक्ट इज इजी। अगर हम बाकी हुआ प्रोडक्ट से अगर कंपेयर करें तो इसमें स्टरिंग बहुत इजी है सिंपल है और प्रोडक्ट को डिस्चार्ज करना भी ईजी है नव इसका सम डिसडवाटेज कॉस्ट पर यूनिट मटेरियल प्रोडक्शन इज मोर इसके पीछे एक ही रीज़न है कि जो जैकेट एंड केटल है उसका सर्फेस एरिया कम है वन कंपेयर विद द अदर ऑपरेटर तो डेफिनेटली एक प्रोडक्ट को ऑपरेट करने के लिए मतलब कॉन्सेंट्रेट प्रोडक्ट मिलने के लिए ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा दैट्स वाई दे मैंशनिंग कॉस्टर यूनिट मटीरियल प्रोडक्शन इज मोर इट इज नॉट सुटेबल फॉर द हिट सेंसिटिव मटीरियल ड्यू टू लॉन्ग टाइम ऑफ एक्सप्लोजर सी इवापोरेशन रेट स्टार्टिंग में इसमें ज़्यादा रहता है लेकिन जब वो प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है द रेट इज रिड्यूस जब इवापोरेशन रेट रिड्यूस होगा तो टाइम ज़्यादा स्पेंड होगा और अगर टाइम अगर एक्टिव कंटेंट हीट के साथ मतलब टेम्परेचर के साथ ज़्यादा स्पेंड करेगा तो देर विज लॉस ऑफ हिट्स प्रिंसिपल एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ दैट कंटेंट द हीटिंग एरिया डिक्रीज एज द प्रोडक्ट गेट्स मोर कॉन्सेंट्रेटेड हमने स्टार्टिंग में देखा था उसका हेमी स्पेरिकल स्ट्रक्चर पता है आपको तो जैसे जैसे प्रोडक्ट कम होते जाएगा तो अननेसेसरी हीट सभी केटल के पार्ट को प्रोवाइड हो जाएगी मतलब जहाँ पे लिक्विड पोर्शन है वहाँ पे भी हीट जाएगा और जहाँ पे प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेटेड हुआ है वहाँ पे हीट सप्लाई कम होगा सैचुरेशन ऑफ पेपर्स इन एटमोस्फियर विच लीड टू डिक्रीज रेट ऑफ यूपोरेशन तो हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था अगर सैचुरेशन बढ़ता जाएगा उस रूम में तो वीआपोरेशन रेट भी क्या होगा कम होगा So, this is all about Steam Jacket Kettle. If you like, comment in a comment box because it motivates me a lot. And in upcoming lecture, we are going to discuss about horizontal tube operator. So keep in touch with my channel. And thank you for your subscription and continuous support. Thank you, thank you very much.